नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में और मेरे इस चैनल इट सुमित कुमार में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने गाड़ी के कुछ पार्ट्स के बारे में बताया था, लगभग सारे ही जितने गाड़ी चलाने के लिए ज़रूरी है उनके बारे में इंटीरियर आपको पूरा क्लियर बताया था कि कहाँ क्या है और किस स्विच का या किस कंट्रोल पैनल का कहाँ पर यूज़ होता है। तो आप पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गाड़ी को कैसे मूव किया जाता है, गाड़ी को कैसे चलाया जाता है। प्रैक्टिकली हम उस चीज़ की इस वाले वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं, जैसे कि बाहर की तरफ थोड़ा अगर कैमरे को मैं घुमाऊँ तो इस वक्त मैं एक खाली जगह पर आया हुआ हूँ। खाली रोड है बिल्कुल एकदम, और यहाँ पर किसी तरीके की कोई एक्सीडेंट वगैरह होने का चांस नहीं है। तो यहाँ पर हम आप जब भी गाड़ी सीखें या कोई भी गाड़ी सीखें तो सबसे पहले इस तरीके का एक खुला मैदान या खुली जगह चूज़ कर लें जहाँ पर आप गाड़ी चलाना स्टार्ट करेंगे। दूसरी चीज़ आपको जो गाड़ी चलाने से पहले ध्यान रखनी है वो ये कि आप गाड़ी स्टार्टिंग में बहुत धीमा चलाएं, फर्स्ट और सेकंड गियर में चलाएं। उसका चलाने का कारण ये है कि पहली बात तो आपका गाड़ी में बहुत अच्छा अंदाज़ा आएगा, और दूसरी बात आपका गाड़ी को मतलब ठोकने का जो ख़तरा है वो भी कम रहेगा, क्योंकि गाड़ी की स्पीड जैसे जैसे तेज़ होती है कंट्रोलिंग जो है नए ड्राइवर स्पेशली खोते जाते हैं। तो फर्स्ट या सेकंड गियर में धीरे धीरे गाड़ी चलानी है आपको। तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन थे। तो सबसे पहले तो आप ड्राइवर सीट पर बैठकर थोड़ा सा गाड़ी का ओवरव्यू ले लें, नज़रों से पहले देख लें कि कहाँ पर कौन सा कंट्रोल है, जैसे कि यहाँ पर गियर है, और एक बार क्लच को दबाकर गाड़ी को स्टार्ट कर पूरे गियर की प्रैक्टिस कर लें। बिना देखे आपको गाड़ी का गियर कौन सा कहाँ पर लग रहा है इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, जब भी आप किसी और कंट्रोल का यूज़ करें तो वो कंट्रोल का यूज़ आप कर रहे हैं करके आपको पता तो होना चाहिए, लेकिन आपको कभी भी उस कंट्रोल पर नज़र नहीं मारनी। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टेयरिंग आप कंट्रोल किए हुए हैं और गियर भी आप को लगाना है, तो आप कभी भी गियर लगाते समय नीचे ना देखेंगे, आपका ध्यान हमेशा सामने रहना चाहिए और आपका गियर लगना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरी कार की की है, कुछ इस तरीके की कार की की आती है, और ये यहाँ पर एक स्विच दिया रहता है, ये रात के समय इल्यूमिनेट भी होता है। तो यहाँ पर इस सॉकेट में इसे लगाना होता है, और जैसे ही आप इसे एक बार घुमाएंगे गाड़ी के नॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स चालू हो जाएंगे और फ्यूल मोटर वगैरह चालू हो जाएगी। जैसे ही आप दूसरी बार घुमाएंगे आपका MID शो होने लगेगा यहाँ पर, किलोमीटर वगैरह, और गाड़ी कुछ इस तरीके से इंडिकेट करेगी कि आपके सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ऑन हो गए हैं। फिर उसके बाद जैसे ही आप थर्ड बार की को घुमाएंगे तो आपकी गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले आपको मोटर की थोड़ी सी आवाज़ सुनाई देगी सर की, तो आप थोड़ा सा उतना वेट कर ले, या फिर यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कुछ लाइट्स ये वाली जल रही हैं, ये ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो गई। अब आपकी गाड़ी ऑन होने के लिए तैयार है। तो गाड़ी को ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्लच को फुल्ली प्रेस करना है, नो मैटर कि आपका गियर इंगेज है या नहीं है। लेकिन आपको हमेशा यही आदत बनानी है कि आप जब भी गाड़ी को स्टार्ट करें तो आपका जो क्लच है वो फुल्ली प्रेस हो, और ऑटोमेटिक गाड़ी के मामले में यदि आप ब्रेक को फुल्ली प्रेस करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट करते समय आपको मैनुअल कार में क्लच को प्रेस करना है और ऑटोमेटिक कार में ब्रेक को प्रेस करना है। तो जैसे ही आप क्लच को फुल्ली प्रेस करेंगे उसके बाद आपको इस की को कुछ इस तरीके से घुमाना है। तो आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो गई, इंजन की आवाज़ आपको आई होगी, और गाड़ी स्टार्ट होने के बाद जो आपकी RPM की सुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, वो 800 के लगभग अभी RPM गाड़ी शो कर रही है। तो कुछ 800 के आसपास गाड़ी स्टार्ट होती है तब RPM होते हैं, कभी कभी किन्हीं मामलों में ये 1500 के आसपास या 1200 के आसपास भी RPM चले जाते हैं। तो गाड़ी उस समय जो इंजन है वो अपने आप को एक टेम्परेचर में ढाल रही होती है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लें उस समय, गाड़ी को ना चलाएं, फिर थोड़ा सा 800 के आसपास RPM की सुई को आ जाने दें, फिर आप गाड़ी को आगे बढ़ाएँ। तो गाड़ी जैसे ही आइडियल कंडीशन में आ जाए स्टार्ट होने के बाद, तब आपको सबसे पहले ब्रेक पर पैर रखना है
और हैंड ब्रेक को डिसइंगेज करना है। फिर हैंड ब्रेक को डिसइंगेज करने के बाद आपको फुल्ली क्लच दबाना है और फर्स्ट गियर कुछ इस तरीके से शिफ्ट करना है, और आपको अपने दोनों हाथों को हमेशा स्टेयरिंग व्हील पर रखना है। फिलहाल मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है तो मैं दोनों हाथों को स्टेयरिंग व्हील पर नहीं रख सकता, लेकिन आप हमेशा अपने दोनों हाथों को स्टेयरिंग व्हील पर रखें, क्योंकि मैं भी गाड़ी चलाते समय हमेशा कोशिश करता हूं कि अपने हाथों को स्टेयरिंग व्हील पर रखूं और अपना जो ध्यान है पूरा गाड़ी चलाने पर ही रखूं। स्टार्टिंग में आप किसी और ख्याल को गाड़ी चलाते समय कभी ना सोचें, ठीक है। तो हम धीरे धीरे जैसे जैसे क्लच को ये रिलीज़ करते जाएंगे तो आपकी गाड़ी धीरे धीरे आगे की तरफ मूव होने लगेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मेरी जो गाड़ी है धीरे धीरे मूव होने लग गई है। जैसे ही गाड़ी धीरे धीरे आगे मूव होने लगे आपकी स्पीड भी ग्रेजुअली इंक्रीज होगी, और जैसे ही आपकी जो स्पीड है 20 के आसपास आ जाए तब आपको सेकंड गियर लगाना है। एक तो आपको इंजन की आवाज़ से ही पता लग जाएगा कि अब गाड़ी के ऊपर लोड आ रहा है, और दूसरा आपको इस चीज़ से पता लगेगा कि आपकी जो RPM की सुई है वो 1500 से 2000 के आसपास RPM उस पर चले जाएंगे। 2000 के आसपास वो RPM इंडिकेट करेगी, तब आपको सेकंड गियर पर शिफ्ट कर देना है। और स्टार्टिंग में आपको हमेशा फर्स्ट और सेकंड गियर में ही गाड़ी चलाना, इससे आपका अंदाज काफ़ी अच्छा आएगा और आपको ज़्यादा इंजन को स्ट्रेस नहीं देना है। वैसे ही गाड़ी में आप जैसे रोड पर जैसे स्टार्टिंग में आप चलाएंगे तो आपको छोटे मोटे पत्थर वगैरह ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, तो आप कोशिश करें कि धीरे धीरे आप उनसे गाड़ी को बचाने की कोशिश करें। स्टार्टिंग में आपको उतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं आ पाएगा, अगर आपका कोई टायर किसी पत्थर के ऊपर चढ़ता है जहाँ से आप बचाना चाहते थे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश ये करें कि आप छोटे मोटे पत्थरों को बचाएं और गाड़ी अपनी सही डायरेक्शन में जहां आप ले जाना चाहते हैं वहां लेके जाएं। ऑटोमेटिकली जैसे कि मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि गाड़ी चलाना इज़ नॉट अ स्किल, ये एक हैबिट है, गाड़ी चलाना एक हैबिट है, ये कोई स्किल नहीं है। और जैसे जैसे आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे ये आपकी हैबिट उतनी ज़्यादा अच्छी होती जाएगी, आप उसमें उतने ज़्यादा प्रो होते जाएंगे। तो ये गाड़ी हमने अभी चला ली है काफ़ी ज़्यादा, आप दिन में आधा से एक घंटा डेली प्रैक्टिस करेंगे स्टार्टिंग में और आप बहुत जल्दी इस तरीके से गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। आप जब भी गाड़ी चलाना सीखे कभी भी अकेले गाड़ी को निकाल के रोड पर ना लेके जाएं, आपके घर में या आसपास जो भी हैं एक अच्छा ड्राइवर जिसे गाड़ी चलानी आती हो उसे हमेशा साइड में बैठा कर रखें ताकि इमरजेंसी की सिचुएशन में वो आपको थोड़ा सा संभाल सके, क्योंकि थोड़े दिन बाद तो आप इस काबिल हो जाएंगे, इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि आप गाड़ी खुद चला सकें, लेकिन स्टार्टिंग में आपको किसी ड्राइवर के साथ में ही गाड़ी चलानी है। जैसे कहीं पर टर्न आता है तो आपको उस साइड का इंडिकेटर देना है पहले और उसके बाद आपको टर्न लेना है। तो इस तरीके से आप गाड़ी चला सकते हैं। अब गाड़ी को रोकने के लिए आपको क्या करना है कि गाड़ी को जैसे ही आप कहीं पर रोकना चाहें पहले तो आप अपनी एक डिज़ायर्ड प्लेस ऑन करें। फॉर एग्जांपल मुझे इस खंभे के पास गाड़ी को रोकना है तो सबसे पहले तो आप धीरे धीरे ब्रेक लगाएं, उसके बाद जब आपको लगे कि गाड़ी बंद होने वाली है तब आप पूरा क्लच प्रेस कर दें और उसके बाद आप ब्रेक धीरे धीरे दबाएं, तब आपकी गाड़ी रुक जाएगी और फिर आप गाड़ी को न्यूट्रल पर रख दें और हैंड ब्रेक को इंगेज कर दें। तो ये गाड़ी को रोकने का सही तरीका है।
बाकी फिर से एक बार और मैं आपको गाड़ी को पिक करके दिखाता हूँ। तो मैंने ये हैंड ब्रेक डिसंगेज किया, पूरा क्लच दबाया, फर्स्ट गियर इंगेज किया, क्लच को धीरे धीरे छोड़ा। यदि थोड़ी सी ऊंचाई है या गाड़ी को ऊपर चढ़ना है तो इंजन थोड़ा सा स्ट्रेस ले सकता है, तो आप उस हिसाब से हल्का सा एस्केलेटर पेडल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे यहाँ पर अभी कोई एस्केलेटर पेडल की यूज़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं अगर गाड़ी का इंजन आपका स्ट्रेस ले रहा है तो। अदरवाइज़ बहुत कम ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर फर्स्ट गियर में गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए एस्केलेटर पेडल का यूज़ करना पड़ता है। फिर मैंने क्लच दबाकर थोड़ी सी स्पीड मेरी हो गई, तब मैंने सेकंड गियर इंगेज कर दिया और गाड़ी की जो मेरी स्पीड है लगभग 20 के आसपास आ गई। और अब मैं इसी स्पीड पर धीरे धीरे गाड़ी चलाता रहूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो समय है, यहाँ अभी धूप का समय हो रहा है, तो गाड़ी हमेशा दिन के समय गाड़ी चलाना सीखें। और यहाँ पर बहुत सारे लोग गाड़ी वगैरह चलाना सीखते रहते हैं, तो यहाँ पर उतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई रोकता वोकता नहीं है, बच्चे वगैरह क्रिकेट खेलते रहते हैं। और बस इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए तो बहुत ही जल्दी आप, मतलब समय कोई भी नहीं बता सकता कि आप कितने समय में गाड़ी चलाना सीखेंगे, लेकिन बहुत जल्दी आप धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आप गाड़ी चलाना सीखते जाएंगे। बाकी छोटी मोटी गलतियां यदि आपसे होती है तो कभी घबराएं नहीं, या फिर साइड वाला ड्राइवर जो आपको गाड़ी चलाना सिखा रहा है वो अभी यदि आपको डांटे तो कभी भी उस चीज़ का बुरा ना माने, क्योंकि वो आपको अच्छा सिखाने के लिए ही डांट रहा है। बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन गाड़ी चलाना अगर कोई सिखाता है तो थोड़ा बहुत जैसे आप गलती करते हैं तो साइड वाले को डर तो लगता ही, ये स्वाभाविक सी बात है। तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर हमेशा प्रैक्टिस करें, जो आपके साथ बैठा है मेक श्योर कर लें कि वो भी रिलैक्स हो और आप भी रिलैक्स रहें, इससे आपके मन का डर जो है धीरे धीरे जाता रहेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। और आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं तो मैंने ड्राइविंग के ऊपर पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, ये उस प्लेलिस्ट की आई थिंक दूसरी या तीसरी वीडियो थी, तो आप पूरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी यदि आप ड्राइविंग से रिलेटेड या कार या ट्रैवल से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।